हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बांग्लादेश को पहला झटका, भारत का खेला शुरू एक्सपोर्ट बैन। बांग्लादेश एक हसीना, तो क्या हमने कुछ बैन किए हैं? चलो देखें कि वो कह रहे हैं कि हमारे को चाहिए नहीं इंडिया से। अभी तो उनको ज़रूरत होगी, उनका तो बुरा सिचुएशन आ रही है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जीजीएस ग्लोबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। भारत ने बांग्लादेश को दे दिया पहला झटका, भारत की मुट्ठी में आया बांग्लादेश का फेफड़ा। तख्ता पलट के बाद भारत को आंख दिखाने वाला बांग्लादेश अब पीछे क्यों हटने लगा? एक्सपोर्ट बंद के बाद भी नहीं माना बांग्लादेश तो भिखारी बनाकर छोड़ेगा भारत। शेख हसीना के दिल्ली आने के बाद भारत ने कर दिया बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा खेल। सब कुछ जानेंगे विस्तार से कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। तो दोस्तों, बांग्लादेश कैसे पीछे हटने को तैयार हो रहा है, इसके बारे में जानेंगे आगे। लेकिन पहले आइए समझ लेते हैं कि बॉर्डर पर कौन सा नया खेल शुरू हो गया है। तो दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ अब भारत बेहद आक्रामक नजर आ रहा है। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाली खालिदा जिया सरकार बनाने जा रही है, जिसे देखते हुए एस जयशंकर और डोभाल साहब ने धमाकेदार मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और त्रिपुरा से लेकर पश्चिम बंगाल तक बॉर्डर को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। आप सभी को याद होगा कि इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाला मोइजू मालदीव में सत्ता पर काबिज हो गया, लेकिन देश चलाने के लिए उसे भारत के सामने घुटने टेकने पड़े। अब वही हाल बांग्लादेश का भी होने जा रहा है। एक तरफ बीएसएफ ने पूरे बॉर्डर को सील कर दिया है। आज जलपाईगुड़ी बॉर्डर के नजदीक से खबर आई थी कि बांग्लादेश से सैकड़ों की संख्या में भारत की तरफ घुसपैठ करने की कोशिश हो रही थी। पाकिस्तान चाहता है कि शरणार्थियों के भेष में कई आतंकियों को भी भारत में एंट्री दिलाई जाए, जिसे बीएसएफ ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। इसका मतलब साफ है कि अजीत डोभाल ने दिखा दिया है कि हम एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन बॉर्डर पर बांग्लादेश को सबसे बड़ा झटका भारत ने व्यापार और लेन देन के सेक्टर में दिया है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत और बांग्लादेश के बीच तकरीबन $14 बिलियन से ज्यादा का व्यापार हुआ, यानी 1,18,000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार हो चुका है। लेकिन अब स्थिति को देखते हुए भारत ने बांग्लादेश को सबक सिखाने की ठान ली है। बांग्लादेश बॉर्डर पर सामान लदे हुए कई बड़े बड़े ट्रक रुक गए हैं, जो बॉर्डर पार नहीं कर पा रहे। इसके कारण सप्लाई चेन में बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, लेकिन बांग्लादेश को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक्सपोर्ट रुकने के कारण भारत में थोड़ा बहुत महंगाई तो बढ़ेगी, लेकिन बांग्लादेश में महंगाई आसमान छूने लगेगी। बांग्लादेश की हालत भी पाकिस्तान से बुरी हो जाएगी। अगर भारत की तरफ से बांग्लादेश को मिलने वाले जरूरत के सामान जैसे कि अनाज और सब्जी रोक दी जाए, तो बांग्लादेश में भूचाल आ जाएगा। ट्रक के आर पार होने के कारण घुसपैठ की आशंका भी बढ़ जाती है, जिस कारण भारत ने बॉर्डर पर ट्रक रोकने के आदेश दे दिए हैं। लेकिन अब आइए जान लेते हैं कि $1 बिलियन का नुकसान होता देख बांग्लादेश पीछे हटने को तैयार क्यों हो रहा है। अंत में शेख हसीना को लेकर जो भारत कहेगा, बांग्लादेश को भी वही मानना पड़ेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपर फास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जीजल्स पर। तो दोस्तों, बांग्लादेश में इस समय राजनीतिक संकट और हिंसा का माहौल है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया है और अब देश की कमान सेना के हाथ में है, जो अंतरिम सरकार बना चुकी है। इस उथल पुथल की वजह से बांग्लादेश में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ठप हो गया है। भारत की मदद के बिना बांग्लादेश दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक नहीं है। बांग्लादेश में चाहे कोई भी नया प्रधानमंत्री बने, उसे भारत के कदमों में गिरना ही पड़ेगा। आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होगा। दोस्तों, बांग्लादेश को दुनिया भर में एक प्रमुख टेक्सटाइल निर्यातक देश के तौर पर जाना जाता है। हर महीने वहां से 3.5 से 3.8 अरब डॉलर के कपड़ों का निर्यात किया जाता है, जो भारत के मुकाबले दोगुना से भी ज्यादा है। लेकिन अब इस राजनीतिक संकट से भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर को फायदा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि बांग्लादेश के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा भारत में शिफ्ट हो सकता है। बांग्लादेश के अशांत माहौल के बाद अंतरराष्ट्रीय खरीदार
दूसरे विकल्पों की तलाश कर रहे हैं और भारत उनकी नजर में एक मजबूत दावेदार है। अगर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को अपने यहाँ अवसर दे दिया तो बांग्लादेश का खेल खत्म हो जाएगा और अब ठीक वैसा ही होता दिख रहा है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगर बांग्लादेश के निर्यात का 10 से 11 फीसदी हिस्सा भी भारत में आता है तो भारत को हर महीने 300 से 400 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त कारोबार मिल सकता है और धीरे धीरे ये कारोबार बढ़ता ही चले जाएगा। अब तक भारत बांग्लादेश को अपना एक दोस्त समझता था और उसके कारोबार में सहयोग करता आया है, लेकिन हसीना के दिल्ली आने के बाद अब स्थिति बदल सकती है। बांग्लादेश को यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे बड़े बाजारों से सबसे ज्यादा ऑर्डर मिलते हैं। इसी कारण ये देश भारत के सहयोग से तरक्की भी कर रहा था, लेकिन अब बदले हालात में भारत के निर्यातक भी 2024-25 में 10% ज्यादा ऑर्डर का अनुमान लगा रहे हैं। कपड़ा उद्योग में भारत के पास अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है। भारत का मासिक कपड़ा निर्यात करीब 1.3 से 1.5 अरब डॉलर का ही है। अगर भारत के पास 10% से ज्यादा ऑर्डर आते हैं तो भी भारत की क्षमता इन्हें आसानी से पूरा करने की है। मुझे तो ये याद है कि शेख हसीना एक बारी आई थी इंडिया, तो मोदी जी के साथ जब खड़ी थी और स्पीच कर रही थी तो उसने खास मोदी जी को बोला था कि भैया प्याज जो आपने हमारे रोके हुए हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ शॉर्टेज हो रही होगी या क्या था, तो वो आप हमको भेज दे दो प्लीज़, कुछ टाइप से कि हमें बड़ी ज़रूरत है, कि उनके वहाँ बड़ी शॉर्टेज होने लगी है। तो इंडिया ने अपनी रीजनिंग से तब नहीं दिए थे कि हमें चाहिए या कुछ, उस वक्त कुछ चल रहा था तब। तो वो खास उस स्पीच में जब एड्रेस कर रही है इंडिया आके, तो मोदी जी को रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमें प्याज दे दो, उनको बड़ी तकलीफ, उनके वहाँ पे लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं यही सोच रही हूँ कि अब जब ये सिचुएशन उन्होंने पैदा कर दी है तो अब वहाँ पे वो बिना प्याज की सब्जियाँ बनाएंगे और बिना प्याज के बिना कुछ बनता ही नहीं है तो उनके लिए कितनी प्रॉब्लम होगी। फिर एक न्यूज़ में देखा था कि कितने सारे ट्रक्स जो इंडिया से जा रहे हैं वो बॉर्डर जो है वो बॉर्डर बंद है, तो वो जानी अंदर को क्रॉस नहीं कर पा रहे। तो क्वेश्चन यही था तब कि भैया बॉर्डर बंद है पर किसने बंद किया है, क्या हमने बंद किया है कि उन्होंने बंद किया है? पर इनके के हिसाब से तो लग रहा है जैसे इंडिया ने बंद किया होगा बॉर्डर सिक्योरिटी की वजह से। बांग्लादेश की न्यूज़ में बोला था कि उनके कोई मैक्सिमम 1 वीक उनकी थोड़ी प्रॉब्लम्स आई थी इंडस्ट्री खुलने में, उसके बाद अब इंडस्ट्रीज खुल चुकी हैं, उनका काम चल रहा है और को उनको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। वो तो बोलेंगे क्योंकि वो उनकी खुद की न्यूज़ है। और इसमें ये भी है कि पहले बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन था टेक्सटाइल में, टेक्सटाइल में, और बांग्लादेश जीत कर आगे था। और ठीक है, इंडिया को भी मेहनत करनी है और कंपीट करना है एंड आगे बढ़ना, इसमें कोई शक की बात। और ये जो हुआ है बांग्लादेश में, इससे इंडिया को एक एडवांटेज मिलता है, क्योंकि ऐसी कोई कंट्री से कोई भी जो है बिजनेस नहीं करना चाहेगा जहाँ पे इतनी इंस्टेबिलिटी है, और खासकर जहाँ पे आपका वहाँ पे हिंदूज के साथ भी इतना बुरा सलूक हो रहा है। और देखिए, तो इंडिया को फायदा उठा के ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये ग्रैब करना चाहिए, बाकी जैसे कह रहे हैं यूएसए और दूसरे देशों को उनसे लेना, क्योंकि हम सप्लाई करते हैं। अब देखिए, जैसे जितने भी हमारे ट्रक्स जा रहे हैं, ट्रक्स बॉर्डर पर अटक जाते हैं, तो उसे डिपेंड करता है कि ऑर्डर किस टाइप का था। एक ऑर्डर होता है कि आपको पैसा मिलता है ऑन डिलीवरी, कि जब आप डिलीवर करते हो माल तब पैसा मिलता है, वो एक है। और दूसरा होता है कि जब आप अपने शिप में लोड करते हो तब पैसा मिलता है, वो डिपेंड करता है ट्रांसपोर्टेशन किसका है। अगर बांग्लादेश का ट्रांसपोर्टेशन है तो जैसे हमारे बंदे ने माल लादा उसको पैसा मिल जाएगा, आगे तुम्हारा ट्रक लेके पहुँचा नहीं पहुँचा वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। दूसरा होता है कि वो बोलते हैं कि मेरे पास जब माल पहुंचेगा मेरे पास गोदाम में तो मैं पैसा दूंगा, ट्रांसपोर्टेशन तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो देखना पड़ेगा से किसका लॉस हो रहा है, मगर कहा था इंडिया का भी कुछ लॉस होगा। हमारा तो होगा ही लॉस, क्योंकि हम माल बेच रहे हैं तो हमें तो लॉस होगा ही, पर ज्यादा लॉस होगा उस हिसाब से जिसको माल नहीं मिला, क्योंकि उनके लिए वहां पे वो चीजों की जो है वो दिक्कत होगी। खासकर अगर खाने की चीज़ है तो इनको तो दिक्कत होएगी, यहाँ पे तो उनके तो खाने की कमी होने लग जाएगी अब थोड़े टाइम में, अगर ये सिचुएशन ठीक नहीं होती है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।